देखिए ज्यादातर लोग, मुझे पता है कि यहाँ अमेरिका में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हर कोई आकाशीय यात्राएं कर रहा है, ये सिर्फ भ्रम है। ठीक है, आप लेट जाते हैं और बस कल्पना करते हैं कि आप यहां वहां उड़ रहे हैं, ये वो नहीं है। देखिए जिसकी बात की जा रही है, दुर्भाग्य से हर चीज बेतुकी हो जाती है जब हर तरह के लोग इसे करना शुरू कर देते हैं। जिसे आकाशीय कहा जा रहा है वो ये है कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, एथेरियल शरीर और आनंद शरीर। ये शरीर के 5 आयाम हैं। भौतिक शरीर वो है जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो खाना हमने खाया है ये उसका संग्रह है। तो हम जिस तरह का खाना खाते हैं निश्चित रूप से उसका असर इस पर पड़ता है कि आप किस तरह का शरीर इकट्ठा करते हैं। अगला है मानसिक शरीर। जब हम कहते हैं मन तो हम किसी खास हिस्से की बात नहीं कर रहे। शरीर की हर कोशिका की अपनी बुद्धिमता होती है, तो एक पूरा मानसिक शरीर है। और ये दोनों कुछ ऐसे हैं, ये आपका हार्डवेयर है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी काम के नहीं होंगे जब तक कि उनका प्लग ऊर्जा से न जोड़ा जाए। तो शरीर की तीसरी परत ऊर्जा शरीर है। पहले 3 शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर भौतिक प्रकृति के हैं। वे बस ज्यादा सूक्ष्म होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे भौतिक प्रकृति के हैं। शरीर की 5वीं परत जिसे आनंद शरीर कहा जाता है पूरी तरह से अभौतिक है। और 4थी परत जिसे एथेरियल शरीर कहा जाता है, हम इसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसका सबसे करीबी शब्द या आमतौर पर इसे एथेरिया कहा जाता है, ये उसका वर्णन नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये भौतिक से अभौतिक के बीच की एक परिवर्तनशील प्रकृति है, जिसे आकाशीय यात्राएं कहा जा रहा है। वो है भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर और आनंद शरीर को वैसे का वैसे छोड़ना और बस एथेरियल शरीर को यहां वहां तैरने देना। इसका मतलब है कि आप अपनी गतिविधियां यहां जारी रख सकते हैं, क्योंकि आपका भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर वैसे का वैसा है, लेकिन सिर्फ एथेरियल शरीर को जाने दिया जाता है। ये एक खास तरह की महारत है। आप बस सोच सोच कर वहां नहीं पहुंच सकते। ऐसा कर पाने के लिए बहुत ज्यादा साधना की जरूरत होती है। अब जब हम कहते हैं शरीर को छोड़ना, तो हम बस प्राणीय शरीर को बाहर जाने दे रहे हैं, जो ज्यादा सरल है। ऐसा करना कहीं ज्यादा आसान है और ये अधिक ठोस चीज है। एथेरियल शरीर की तुलना में प्राणीय शरीर भौतिक है। ये ज्यादा भौतिक किस्म की मौजूदगी है। ये ऊर्जा है, लेकिन ये एक भौतिक ऊर्जा है। एथेरियल एक परिवर्तनशील ऊर्जा है। ये ना तो भौतिक है ना ही परे है, ये बीच की है। आनंद शरीर पूरी तरह से भौतिक से परे है। तो प्राणीय शरीर को बाहर निकालना और इसे वापस डालना आसान है, और ये एक अधिक प्रबल अनुभव है, क्योंकि आपका एक भौतिक हिस्सा बाहर जाता है और वापस आ जाता है। एथेरियल शरीर के लिए कहीं अधिक साधना करनी होती है, क्योंकि वो आपके अनुभव में भी नहीं है। इसे आप तब तक नहीं छू सकते जब तक कि आप अपने भीतर एक स्तर की साधना और तीव्रता में ना हो। लेकिन आजकल लोग हर चौराहे पर आकाशीय यात्रा कर रहे हैं, ये सिर्फ भ्रम है। देखिए ये चीजें एक खास मकसद के लिए की गई थी। इसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। भारत में इस तरह के कई मठ रहे हैं जो इस ओर बुनियादी रूप से केंद्रित रहे हैं। सिर्फ मनोरंजन के लिए उन चीजों में आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन चीजों में महारत हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करना होता है। और अंत में क्या मिलता है, आप क्या हासिल करते हैं, इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है।